गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कक्षा 12 में जो मानव उत्सर्जन तंत्र है जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इससे पहले की क्लासों में हमने इसके बहुत से टॉपिक लिए हैं और आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। यहाँ केवल हमारे दो ही टॉपिक जो है वो शेष बचे हैं, उनमें आपका जो सेकंड लास्ट वन है वो है हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस मतलब रक्त अपोहन, हम पढ़ रहे हैं और ये आपका मानव उत्सर्जन तंत्र का सेकंड लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि यूरेमिया एक रोग होता है जो मानव उत्सर्जन तंत्र से ही संबंधित होता है, जिसके बारे में कल की वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था यूरेमिया में क्या होता है। यूरेमिया में आपका जो रुधिर है उसमें नॉर्मली 10 से 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml रुधिर यूरिया होता है, यानी 100 ml रुधिर में 10 मिलीग्राम से लेकर 30 मिलीग्राम तक, बताया था ना मैंने आपको, 10 मिलीग्राम से लेकर 30 मिलीग्राम तक जो यूरिया है वो प्रति 100 ml रुधिर में, प्रति 100 ml रुधिर में सामान्यतया पाई जाती है। लेकिन जब इस यूरिया की मात्रा आपके रुधिर में इससे ज़्यादा हो जाए, यानी 30 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाए, तो उस अवस्था को बोलते हैं एक रोग है और यह रोग कहलाता है आपका यूरेमिया। क्या कहलाता है? यूरेमिया। यह रोग आपका कहलाता है यूरेमिया। इसके रीजन आपके काफ़ी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्या हो सकता है, आपका ब्रक ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, इसके काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं। उसमें आपके नेफ्रॉन की प्रॉब्लम हो सकती है या अन्य भी कारण हो सकते हैं। बट इसका उपचार क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट जो है उस ट्रीटमेंट में अस्थाई यानी नॉन परमानेंट, स्थाई ट्रीटमेंट तो नहीं है लेकिन उपचार किया जा सकता है और कुछ समय तक आप इससे अवस्था से बच सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, यूरिया आपके रुधिर में पृथक कौन करता है, ब्रक। तो यानी हमारे ब्रक ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, हम एक कृत्रिम ब्रक बनाएंगे और उन कृत्रिम ब्रक में से हमारे यूरिया युक्त रुधिर को यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन युक्त रुधिर को, कौन कौन से रुधिर को, यूरिया, यूरिक अम्ल व क्रिएटिनिन, युक्त जो रुधिर है उसको क्या करेंगे, ये आपका डायलाइजर है, इट्स मीन ये आपका एक उपकरण है जो सेलोफेन नामक मेम्ब्रेन से मिलकर बना है और ये कृत्रिम ब्रक का कार्य करता है। क्या करता है, कृत्रिम ब्रक। कृत्रिम क्यों, चूंकि बनाया गया है और ब्रक मतलब यूरिया को हटा रहा है। ओके, तो यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन और अन्य अपशिष्ट पदार्थ, जितने भी आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं उन अपशिष्ट पदार्थों युक्त रुधिर को हम क्या करते हैं, एक कृत्रिम ब्रक में से होकर गुजारते हैं और यह जो कृत्रिम ब्रक है, वो बना होता है सेलोफेन मेम्ब्रेन से मिलकर, मतलब सेलोफेन झिल्ली, ये जो कृत्रिम ब्रक है वो सेलोफेन झिल्लियों से मिलकर बना होता है और इन झिल्लियों के बीच में, एक द्रव भरा होता है, उसे बोलते हैं डायलिसिस फ्लूइड।
या अपोहनी द्रव्य, क्या बोलते हैं? अपोहनी द्रव बोलते हैं। किस द्रव को? इस डायलिसिस जो फ्लूड है इसको बोलते हैं अपोहनी द्रव। ये जो मेम्ब्रेन हमने बताई आपको, सेलोफेन मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जो है वो यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन युक्त जो आपके पदार्थ है, जितने भी आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके लिए पारगम्य है। क्या है? पारगम्य। यह जो है, जो सेलोफेन आपकी मेम्ब्रेन है, वो किन किन के लिए पारगम्य है बताते हैं आपको दोबारा। कौन कौन सी है? यूरिया, यूरिक अम्ल, और आपके क्रिएटिनिन आदि जो N2 आपके अपशिष्ट पदार्थ है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, उनके लिए पारगम्य है। क्या है? पारगम्य है, यानी ये इसमें से होकर पारगमित हो सकते हैं। परंतु आपके जो प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटीन। और वो प्रोटीन कौन से? कोलाइडी प्रोटीन, जो ब्लड कोलाइडी प्रोटीन है, जो ब्लड कोलाइडी आपके प्रोटीन है, प्रोटीन, और जो कणिकाएं हैं, रुधिर कणिकाएं, ठीक है, और जो आवश्यक घटक हैं, उनके लिए अपारगम्य है। क्या है? अपारगम्य है, अर्थात ये जो पदार्थ है वो इस झिल्लियों में से होकर पारगमित नहीं हो सकते। क्लियर है? तो क्या होता है, जब आपके यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन वाला जो रुधिर है उसको सबसे पहले तो क्या है, इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करते हैं। क्या करते हैं? ठंडा करते हैं 0 डिग्री, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, तो उसको कम करना है 0 डिग्री पर। तो सबसे पहले 0 डिग्री पर उसको ठंडा करते हैं। क्या करेंगे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, टेम्परेचर उसका बनाते हैं, ठीक है ना। 0 डिग्री पर वो ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद उसमें हिपेरिन मिलाते हैं, इन्फ्यूजन। हिपेरिन क्या है? ये रुधिर प्रतिस्कंदन कारक है, यानी स्कंदन का मतलब होता है आपका क्लोट बन जाएगा उसके अंदर, यानी थक्का जम जाएगा। वे पदार्थ जो रुधिर के थक्के को जमाते हैं वो तो रुधिर स्कंदन कारक कहलाते हैं, लेकिन जो रुधिर के थक्के को जमाने से रोकते हैं उसे हिपेरिन बोलते हैं। तो ये जम नहीं जाए आपका रुधिर, इसलिए इसमें हिपेरिन को मिलाया जाता है। हिपेरिन मिलाने के बाद इसको किस में डाल दिया जाता है? सेलोफोन की झिल्ली से बने हुए कृत्रिम ब्रक डायलाइजर के अंदर डाल दिया जाता है। जो यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन जैसे पदार्थ है वो सब उस अपोहनी द्रव्य में आ जाते हैं, डायलिसिस फ्लूड जो है उसके अंदर आ जाते हैं। और जो आपके मुख्य पदार्थ होते हैं, प्रोटीन है, रुधिर कणिकाएं हैं, आवश्यक घटक है, वो उसी के अंदर रहते हैं। और जिनको वापस से फिर क्या करना पड़ेगा? एंटी हिपेरिन मिलाएंगे उसके अंदर। क्या मिलाएंगे? एंटी हिपेरिन इसके अंदर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ऐड यानी मिला देंगे, और इसको वापस से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करके और पुनः हमारे शरीर में प्रवेश करा देंगे। यानी किसी एक धमनी में से, धमनी दिया आपने, उस धमनी को जो ब्लड दिया उसमें से, उस ब्लड को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करा? ठंडा करा, उसके अंदर हिपेरिन मिलाया, फिर उसको डाल दिया कृत्रिम ब्रक में, यानी डायलाइजर में, जो बना है सेलोफोन की झिल्लियों से। ये झिल्लियां पारगमित हैं, पारगम्य हैं यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन के लिए, अपारगम्य है प्रोटीन और कणिकाएं और आवश्यक घटकों के लिए, रुधिर कणिकाएं, प्रोटीन और आवश्यक घटकों के लिए। जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन युक्त जो रुधिर है वो इनके अंदर से प्रवेश करता है, तो ये सारे अपशिष्ट पदार्थ पहुंच जाते हैं डायलिसिस फ्लूड में,
यानी अपोहनी द्रव में, जिसको हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और जो इसके अंदर मुख्य घटक हैं जिन्हें हमें इसी के अंदर रखना है, जो आवश्यक है, वो वापस से आपके एंटी हिपेरिन मिला के, और फिर क्या करेंगे उसको हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे और वापस सिरा के माध्यम से आप उसके अंदर डाल देते हैं, किसी भी सिरा के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ आपको कुछ चीज़ें और दिख रही है, जैसे ब्लड पंप। तो क्या है, हमारे अंदर तो क्या होता है, अंगों तक पहुँचाने के लिए रुधिर को पंप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हृदय है, और हृदय यही काम करता है पंप का। लेकिन यहाँ आपका हृदय तो है नहीं बाहर, तो बाहर क्या, एक कृत्रिम एक पंप बनाया गया है जो क्या करेगा, इस ब्लड को पंप करेगा और इसके अंदर डायलाइजर के अंदर या कृत्रिम ब्रक के अंदर डालेगा। इसके अलावा इस प्रेशर को मोनिटराइज्ड करने के लिए इसमें जगह जगह पर प्रेशर मॉनिटर होते हैं, जैसे एक प्रेशर मॉनिटर ये रहा, फिर उसके बाद ये रहा प्रेशर मॉनिटर, फिर आपका प्रेशर मॉनिटर ये रहा। तो ये प्रेशर मॉनिटर है जो उसको मोनिटराइज्ड करते हैं कि दाब अधिक तो नहीं है या कम तो नहीं है, और इस प्रकार से रुधिर में उपस्थित जो अशुद्धियां हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन आदि, उन्हें आसानी से पृथक कर दिया जाता है। परंतु यह एक स्थायी समाधान नहीं है यूरेमिया का। इसका स्थायी समाधान यह है कि आपके जो ब्रक कार्य नहीं कर रहे हैं उनको ट्रांसप्लांट किया जाए, ठीक है ना, स्थायी समाधान नहीं है, ये अस्थायी समाधान है। हीमोडायलिसिस क्लियर है, हीमोडायलिसिस आपको अब सभी के समझ में आ गया है। ओके, अब हम बात करेंगे इसका स्थायी समाधान किसका, यूरेमिया का, यानी आपके अंदर यूरिया ज्यादा है रुधिर में, तो उसका स्थायी समाधान क्या होगा, स्थायी समाधान होगा ब्रक प्रत्यारोपण। आ गया समझ में? ओके, तो ये ठीक क्लियर है, रक्त अपोहन हीमोडायलिसिस आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपके अंदर ये किया जाता है। दोबारा से रिवाइज करें, ये सारे पदार्थ जो अपशिष्ट है वो रह जाएंगे यहीं पर, और जो मुख्य मुख्य पदार्थ वापस से आपके शरीर में प्रवेश करा दिए जाते हैं सिरा के माध्यम से। पहले 0 डिग्री पर ठंडा करते हैं, हिपरिन मिलाते हैं, उसके बाद यहाँ से जो डायलिसिस फ्लूड है, अपोनी द्रव है, उसको बाहर निकाल देंगे जिसके अंदर यूरिया यूरिक अम्ल वगैरह है, और वो डालते रहेंगे उसको नया वाला जो फ्लूड है जिसके अंदर यूरिया यूरिक अम्ल वगैरह नहीं है। फिर एंटीपेरिन मिलाएंगे, 37 डिग्री पर गर्म करेंगे और वापस से सिरा के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करा देंगे। अच्छा, यूरिया की मात्रा पर डिपेंड करता है कि कितने दिनों में डायलिसिस होना चाहिए। ओके, कई व्यक्तियों में 10 से 15 दिन में आवश्यकता पड़ती है, कईयों में महीने भर में भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यदि बार बार आपको हीमोडायलिसिस किया जाता है तो इसका मतलब आपके ब्रक पूरी तरह से यदि कार्य करना बंद कर दिया है ब्रक ने, तो फिर इसका समाधान जो है वो ब्रक प्रत्यारोपण होता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है। ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको आवश्यकता है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका रुधिर और ऊतक जो आपके हैं वो आपस में मिलते होते हो, और यदि उनमें समानता है और वह व्यक्ति आपको ब्रक देने के लिए तैयार है तो उसे हम दाता बोलेंगे, ब्रक दाता। और यह ब्रक दाता जो है, ब्रक उससे ले लिया जाएगा, किडनी उससे ले ली जाएगी और ट्रांसप्लांट कर दी जाएगी, प्रत्यारोपित कर दी जाएगी।